नगर निगम आम सभा चुनाव 2022 के नामांकन प्रक्रिया हुई समाप्त। नगर सरकार चुनाव के तहत भागलपुर में होंगे कई नए चेहरे तो कई पुराने चेहरों में कांटों की टक्कर। नगर निगम चुनाव को लेकर रणभेरियां बच चुकी है, शंखनाद हो चुके हैं। कुछ नए चेहरे तो कुछ पुराने चेहरे के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। सभी अपनी डफली अपना राग अलापते दिख रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए नए नए वादे करते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन प्रत्याशी अपने वोट बैंक बनाने के लिए कितने वोटरों को लुभाते हैं। जी हां, नगर निगम आम सभा चुनाव 2022 के लिए भागलपुर के सभी 51 वार्डों में नामांकन पर्चा दाखिल करने का समय 24 सितंबर यानी शनिवार को समाप्त हो चुका है। 216 उम्मीदवारों ने वार्डों में पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया, जबकि डिप्टी मेयर के लिए 10 और मेयर के लिए 9 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। इस बार मेयर से अधिक डिप्टी मेयर के उम्मीदवार सामने दिख रहे हैं। इस बार मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव सीधा होने से यह दिलचस्प हो गया है। डिप्टी मेयर में संतोष कुमार, आशीष रंजन, नेहा कुमारी, ओमनाथ भारती, सुबोध मंडल, अनूप लाल साह, नंदिनी देवी, भागीरथी साह, सलाहुद्दीन अहसन, छोटेलाल कुमार हैं। वहीं मेयर पद के लिए 9 प्रत्याशियों में श्वेता प्रियदर्शनी, सीमा साह, खुशबू कुमारी, डॉक्टर वसुंधरा लाल, प्रतिभा देवी, रभत बानो, सविता देवी, गजाला परवीन और अमृता राज ने पर्चा दाखिल किया है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि हर वार्ड में औसतन 4 उम्मीदवार होंगे। वहीं 15 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां 6 वार्डों में सीधी टक्कर है। साथ ही आपको बता दें कि वार्ड 35 में सबसे अधिक 13 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है और 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो एक ही परिवार के हैं। एक ही वार्ड में बहन ने मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने को नामांकन पर्चा दाखिल किया तो भाई ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन पर्चा भरा है। बताते चले कि 30 को उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगा। हालांकि किन वार्डों में कितने के बीच मुकाबला होगा यह स्थिति 30 सितंबर को स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी, वैसे ही भागलपुर का नगर निगम का चुनाव अलग ही रुख अख्तियार करेगी। बता दें कि 20 अक्टूबर को मतदान होगा और 22 अक्टूबर को मतगणना होगी। उसके बाद नगर सरकार का गठन किया जाएगा।